हेलो दोस्तों, आप जब एक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं उस टाइम जो फीसेस भरते हैं, जो टैक्सेस भरते हैं, उसका अगर रिसिप्ट आप एक साथ डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में, हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव और स्वागत है आपको डीजी वर्क लाइफ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इसके लिए पहले हम parivahan.gov.in के वेबसाइट में चला जाएंगे और आगे का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हम अपना लैपटॉप के स्क्रीन पे आ गया है। यहाँ पे गूगल ओपन करके रखा हुआ है। गूगल में हम सर्च करेंगे parivahan.gov.in और ये यहाँ पे सर्च कर लेंगे। जैसे सर्च करेंगे कुछ सर्च रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इनमें से जो पहला सर्च रिजल्ट है तो होम परिवहन सेवा, तो इस लिंक के ऊपर हम कर देंगे क्लिक। तो यहाँ पे अभी हम कर देते हैं क्लिक और ये हमारे को परिवहन सेवा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन, तो इसके ऊपर आप कर्सर रखिए। जैसे इसके ऊपर कर्सर रखेंगे कुछ ऑप्शन और दिखाई देगा। इनमें से जो पहला ऑप्शन है व्हीकल रिलेटेड सर्विस, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए और ये आपको व्हीकल रिलेटेड सर्विस के अंदर लेके आएगा। यहाँ पे आपका राज्य को सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे अपना राज्य स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं आसाम का हूँ, आसाम सेलेक्ट कर लिया हूँ। जैसे आसाम सेलेक्ट कर लिया हूँ, यहाँ पे और एक पॉइंट खुल गया जहाँ पे एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे अपना आरटीओ ऑफिस सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम अभी फिलहाल यहाँ पे आरटीओ ऑफिस सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा जो आरटीओ ऑफिस है ये है जहाँ मेरा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो वाला आरटीओ ऑफिस का डालना पड़ेगा। डरन स्टार्टिंग और फिर प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे दोबारा से आपको प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो हम फिर दोबारा से प्रोसीड बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं आप एक नया पेज में पहुंच जाएंगे, ऑनलाइन सर्विसेज के पेज। तो यहाँ पे एकदम ऊपर वाला बार में एक स्टेटस ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपको कर्सर रखना होगा। जैसे उसके ऊपर कर्सर रखेंगे बहुत सारा ऑप्शन खुल गया, इनमें से रिफिल रिसिप्ट फॉर्म, तो उसके ऊपर आपको कर्सर रखना है और सीधा जाके रिफिल रिसिप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और ये आपको दूसरा पेज में ले जाएगा। तो यहाँ पे आप जो चीज जानते हैं उसके ऊपर उसको सिलेक्ट करना होगा। एप्लीकेशन नंबर वाइज अगर आपका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन के लिए जो अप्लाई किया था एप्लीकेशन नंबर है वो आप सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो रिसिप्ट वाइज रिसिप्ट का नंबर है तो उसके वाइज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बैंक का ट्रांजेक्शन नंबर है तो उनके तरफ से कर सकते हैं और नहीं तो रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे कर लेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज क्योंकि हमारे को गाड़ी का नंबर से ही चेक करना है, तो हम यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद जैसे रजिस्ट्रेशन वाइज सिलेक्ट करेंगे आपको सिलेक्ट ट्रांजेक्शन आपको सिलेक्ट करना बोला जाएगा, तो यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन सिलेक्ट कर लीजिए। मैं टैक्स सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि टैक्स का रिसिप्ट हमारे को देखना है। और फिर यहाँ पे सिलेक्ट एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन आपको सिलेक्ट करना है किस चीज़ के लिए आपको करना है डाउनलोड। तो हम यहाँ पे RTON सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया था, ये RTO में जाके ही डीलर की तरफ से पैसा जमा किया जाता है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना होगा, हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं। और लास्ट में आपका जो सेसिस नंबर है गाड़ी का, उनका लास्ट 5 कैरेक्टर्स डालना होगा। ये सेसिस नंबर जो है आपको RC में लिखा हुआ मिलेगा, डीलर से आप गाड़ी खरीदे हो उसका सेलिंग पेपर में लिखा हुआ मिलेगा और आपके गाड़ी के ऊपर भी ये लिखा रहता है, थोड़ा सा ढूंढने से मिलता है। आप देख सकते हैं आपका गाड़ी में किसी लोहे के ऊपर लिखा हुआ रहता है सेसिस नंबर, उसका लास्ट 5 डिजिट आपको यहाँ पे लिखना होगा। अभी ये दोनों चीजें लिख के हम फिर ये कैप्सा कोड डालेंगे, कैप्सा कोड डाल के सो डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं जो डिटेल्स है मांगा था वो सब डाल चुका हूँ, फिर सो डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे सो डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देंगे आप देख सकते हैं आपका जितना भी पैसा पेमेंट किया है सारा के सारा डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है, ये सब पैसे आपने ट्रांजेक्शन किया है। तो यहाँ का जो अगर रिसिप्ट डाउनलोड करना है तो प्रिंट रिसिप्ट किसी भी एक ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे प्रिंट रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे यह आपको सेव करने के लिए दिखाई जाएगा, यह आपको अपना कंप्यूटर का स्क्रीन के ऊपर ऐसे रिसिप्ट दिखाई देगा। तो थोड़ा सा आप इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपने वो वाला लिस्ट में जितना भी पेमेंट किया था सारे के सारा पेमेंट के डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे प्रिंट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन के ऊपर आपको करना है क्लिक और यहाँ पे सेव एज PDF करके आप इस रिसिप्ट को सेव करके अपना कंप्यूटर में रख सकते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से आप व्हीकल रजिस्ट्रेशन के टाइम में जितना भी पेमेंट किया था, जितना भी फीजेस पेमेंट किया था, जितना भी टैक्सेस पेमेंट किया था, उसका रिसिप्ट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। कैसे आप अपना व्हीकल का जो टैक्स रिसिप्ट है, जो फीस रिसिप्ट है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बारे में पता चल गया होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों इजाजत दीजिए, नमस्कार।